नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, शनि की राशि परिवर्तन सीरीज में अब हम आ गए हैं अंतिम पायदान पर, यानी कि अंतिम तीन राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के इस कुंभ राशि के गोचर होने से, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारी पिछली पोस्टें नहीं देखी हैं, जो कि विभिन्न राशियों की थी, कृपया करके उन्हें देख लीजिएगा। और विशेष तौर से शनि की ढैया और साढ़े साती के उपाय वाली सीरीज अवश्य देखिएगा, काफी कुछ उसमें आपको जानकारी मिल पाएगी। तो बात करते हैं अन्य तीन राशियां जो कि क्रमशः लास्ट की हैं, मकर, कुंभ और मीन राशियां। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या प्रभाव इन राशियों में पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनि की 17 जनवरी को प्रथम भाव से दूसरे भाव में जब ये जाएगा, तो इनका चौथा, आठवां और ग्यारहवां भाव प्रभावित हो जाएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं, शनि की दृष्टियों के कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस राशि के जातकों के लिए शनि देवता लग्नेश और धन भाव के स्वामी अर्थात धनेश भी कहलाते हैं। तो धन भाव का में शनि के गोचर करने से कई आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, यानी कि आपके बहुत सारे मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाएंगे। इस दौरान आपको नए काम करने के लिए परिवार का सहयोग भी मिलने लगेगा। जो विद्यार्थी गुप्त विद्या या ज्योतिष सीख रहे हैं, उनको शनि देवता की विशेष कृपा इस दौरान प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि अब शनि आपकी एक राशि आगे जा चुके होंगे, यानी कि आपको उतरती हुई साढ़े साती का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये भी माना जाता है कि उतरती हुई साढ़े साती के दौरान, क्योंकि शनि जब पैरों पे आ जाते हैं, तो माना गया कि यात्राएं बढ़ जाती है। लेकिन इस राशि वालों के लिए एक और अच्छी बात रहेगी कि वो इस राशि के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में जिनके काम अटके हुए थे, धन अटका हुआ था, काम नहीं बन रहा था, वो सब इस दौरान होने लगेगा। इसी के साथ साढ़े साती के अंतिम 2.5 साल जो आगे बढ़ेंगे, तो मानसिक तनाव काफी हद तक कम तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ ये आपके मन में कुछ बेचैनी और कुछ भावनात्मक रूप से जो भारीपन बना रहता था, उसको भी ये धीरे धीरे अब कम करने लगेंगे। और आपका ध्यान विशेष तौर से किसी एक परेशानी की ओर केंद्रित करने लगेंगे। इससे वांछित लाभ आपको मिलने लगेगा और बहुत सारे रास्ते जो है आपके वो खुलने लगेंगे। अब तक जो देरियां हो रही थी, या आर्थिक रूप से आप पिछले 2 वर्षों से बड़े परेशान रहे थे, धन आ रहा था लेकिन साथ ही साथ जा भी रहा था, बचत नहीं हो पा रही थी, आप चाहते थे कि बचत हो जाए, कैरियर के लिहाज से आपको थोड़ा सा अब बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, पैसा बढ़ेगा, बचत भी बढ़ने लगेगी। खास तौर से अक्टूबर 23 के तक आप जब आप देखेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम तो धीरे धीरे ही मिलेंगे क्योंकि शनि है, लेकिन अक्टूबर 23 के बाद आपके परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद सकारात्मक चीजें बहुत तेजी से बदलती चली जाएंगी। और याद रखिएगा कि आपको इस दौरान, क्योंकि शनि आपके वाणी भाव में जा रहे हैं और आपकी राशि जो है वो मकर ही है, जो फिर से शनि की है, तो ये डबल शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कठोर शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि कठोर शब्दों का प्रयोग आप करते हैं और अगर आप सीधी सरल बात मुंह पे किसी को कह देते हैं, तो आपको उसमें थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आपको तर्क वितर्क भी नहीं करना है। जीवन साथी से वैवाहिक जीवन में भरपूर मदद मिलेगी, मधुर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक आपकी खुद की सेहत की बात करें, तो आपको सही खाना खाने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि करीब करीब 26 महीने अब आपके मुख भाव में, यानी कि दूसरे भाव में रहेंगे। और ऐसे में विशेष तौर से शनि काली और बासी चीजों को खिलाने की ओर अग्रसर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तरोताजा चीजें खाएं, गर्म गर्म चीजें खाएं, अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी या टेंशन से संबंधित, अवसाद से संबंधित कोई परेशानी से पीड़ित हैं, तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। यदि आप मांसाहारी भोजन या शराब शराब आदि से परहेज कर लेंगे, तो आपको काफी सुविधा मिलने लग जाएगी। ध्यान रखिएगा कि शनिवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। संभावना है कि आपको किसी भी कारण से परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। संपत्ति का थोड़ा मामला जो मुश्किल था, वो मध्य अप्रैल से जून के बीच में आपको काफी हद तक राहत प्रदान करेगा। इसी दौरान सितंबर अक्टूबर महीने की अगर बात करें, तो सीने से संबंधित यानी चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है, सकारात्मक बना के रखिएगा। छोटी छोटी बातें परेशानी तो करेंगी, और शनि धन भाव में, वाणी भाव में आकर थोड़ी परेशानियों को डेवलप तो करेंगे, साथ ही साथ चीजों में धीरे भी लाने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में बहुत सुविधाएं मिलने लगेंगी। जीवन के प्रति दृष्टिकोण को थोड़ा लचीला बना के चलिएगा कि कभी कभार लाइफ में देरी भी होती है और वो होना जरूरी भी है। कभी कभार राहु पर शनि की दृष्टि आपके कामों में थोड़ी सी परेशानी ला सकती है। ऐसा होने पर आप बिल्कुल भी गुस्सा ना करें और शांत प्रवृत्ति बना के रखेंगे, तो शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं।
बात करते हैं इस राशि के उपाय की। तो मकर राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन उपाय रहेगा हनुमान जी की पूजा करना, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना। धन संकट होने पर माथे पर आप दूध का तिलक भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं शनि की ही एक और राशि है जिसका नाम है कुंभ, और ये राशि इस समय सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगी। यहाँ एक बात और बता दूं कि शनि अब इस राशि के ठीक ऊपर ही आएगा, यानी कि जन्म चंद्रमा के ऊपर ही आ जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम कहें तो शनि का पहले ही जो पोजीशन रहेगी उसके हिसाब से उनका तीसरा, सातवां और दसवां भाव प्रभावित होगा। इस राशि के लिए शनि द्वादश और लग्न भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका जन्मकालीन शनि 15 डिग्री के पहले का है तो वो आपको मकर राशि के परिणाम ज्यादा देगा, और अगर 15 से आगे की राशि के हैं यानी 15 से 30 अंशों के बीच हैं तो आपको कुंभ राशि का ही परिणाम ज्यादा देखने को मिलेगा। साढ़े साती का दूसरा चरण तो शुरू हो ही जाएगा इस राशि को। यदि ये लोग किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो इनको अब सफलता का स्वाद मिलने का समय आ गया है। दूसरी बात है कि मुख्य साढ़े साती अध्यात्म का योग बना देती है, अभ्यास या मंत्र साधना की और दैवीय आशीर्वाद की ओर आपको धकेलेगी, आपका रुझान उस तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये जीवन बदलने का बेहतरीन अवसर है, और अगर आप आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया समय आ गया है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि दिमाग पहले से तैयार था। भौतिकवादी जीवन से आप बहुत पहले ही अपने आप को अलग कर रहे थे या करना चाह रहे थे, तो शनि का ये गोचर आपको बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से आंतरिक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक धारा के प्रभाव में आपको आगे बढ़ा देगा। ये जान याद रखिएगा, ये शनि की जो अवस्था है वो जीवन में क्या कर सकती है और आपसे क्या करवा सकती है, ये सब बातें भी दिमाग में लेकर चलना पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नकारात्मक संकेत भी आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर शनि का माना जाता है कि शनि जहाँ आते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, तो आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, आपके स्टेटस में या आपके रुतबे में तो काफी काफी चीजें सुलटती चली जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ सेहत में भी दिक्कतें हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए लाभकारी तो रहेगा ही रहेगा, परंतु यदि आपकी खराब दशा चल रही है या आपका जन्म चंद्रमा या शनि खराब स्थिति में कुंडली पे बैठा है तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। इस दौरान आप ज्यादा कुछ महसूस ना करें, कुछ मुद्दे होंगे जो जीवन को काफी हद तक उस दिशा में धकेलेंगे जिस तरफ आप जाने का प्रयास अब तक करते आ रहे थे। इस जीवन के अतिरिक्त उत्तरदायित्व और मानसिक तनाव भी जो आपको मिल रहा था वो हमेशा जो आपके पास रहता है धीरे धीरे कम होने लगेगा। 2023 के आने से आपका संचार का साधन बढ़िया हो रहा है, यानी अब आप बहुत ज्यादा वाचाल प्रवृत्ति ले लेंगे, अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, स्पष्टवादी विचार दिमाग में आएंगे, और जहां आपसे कोई सलाह ना मांगे वहां बिल्कुल भी सलाह ना दे। अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनसे अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कीजिएगा। मई और जून के महीने में स्वास्थ्य के लिए आपका जो है थोड़ा सा चिंता का विषय स्वास्थ्य बनेगा। मध्य जून में काफी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। सितंबर से अक्टूबर में थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। याद रखिएगा कि यदि आपका विवाह की उम्र है या विवाह करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जीवन साथी की सेहत में कोई खराबी चल रही है या उनसे कोई अनबन चल रही है तो वो भी इस दौरान आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। जीवन साथी से कलह और दूरी से बचने का प्रयास करें। दशा अगर कुछ प्रतिकूल चल रही है तो थोड़ा बहुत कैरियर में भी बदलाव के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि आपके कैरियर भाव पे भी आ जाएगी। कोई भी व्यवसायिक उपलब्धि या चुनौतियां सामने आ सकती है। नकारात्मक और अवसादगत विचारों से आपको मुक्त रहना पड़ेगा। ध्यान लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितना संभव हो सके पेशेवर रूप से आप काम करें और डॉक्टर से संपर्क बनाकर रखिएगा। करीबी रिश्तेदार या दोस्तों को खुद से अलग ना करें। यह चरण ये भी बताएगा कि इस समय आपका सच्चा मित्र कौन है और आप कहीं गलत मित्र से दोस्ती तो करके नहीं बैठे हैं। बात करें उपाय की तो कभी कभार शनि की वस्तुओं का दान करना लाभदायक हो सकता है। बात करते हैं हमारी अंतिम राशि जो कि है मीन राशि, और आप सब जानते हैं कि मीन राशि जो मानी गई है काल पुरुष की अंतिम राशि तो है ही है। अब 17 जनवरी को जैसे ही इनके 12वें भाव में शनि का गोचर होगा तो इनका दूसरा, छठा और नवा भाव प्रभावित हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं शनि का गोचर राशि में साढ़े साती का पहला चरण शुरू करेगा, और इस राशि के लिए शनि की साढ़े साती कदापि भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इस राशि के जातक के लिए शनि देवता 11वें और 12वें भाव के स्वामी ही माने गए हैं। शनि के गोचर से आपके जीवन में बहुत कुछ लाभकारी परिवर्तन आने वाले हैं। 12वां भाव वैसे भी खर्चे और नुकसान का भाव माना गया है, आपको घर गृहस्थी से दूर ले जा सकता है, कैरियर में परेशानी दे सकता है। यहाँ से शनि यहाँ जब आएंगे तो जीवन के हर पहलू को आपको सक्रिय कर देंगे, यानी कि आपके हर भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। बचत करने में परेशानी होने लगेगी, बहुत ज्यादा जबरदस्त खर्चे बढ़ जाएंगे, अचानक अनवांटेड खर्चे भी आ सकते हैं।
विदेश यात्रा, दान और स्वास्थ्य के मुद्दों पे बहुत ज्यादा खर्च आपको करना पड़ेगा या आप करेंगे। नौकरी में थोड़ा अस्थिर प्रभाव नजर आ रहा है, यानी टिक कर काम करना मुश्किल होगा। काम में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। कुछ लोग आपके पीठ पीछे जो खिलाफ काम कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा ज्यादा परेशानी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। कानून के क्षेत्र में लगे हुए लोग, उच्च शिक्षा, धर्म शिक्षा परामर्श में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा आएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा का लाभ उनको मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक विवाद इस गोचर के दौरान भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव आपका प्रभावित हो रखा होगा। इस ओर आपको थोड़ा सा ध्यान दिए जाने की जरूरत रहेगी। वैसे भी इस वर्ष आप लोगों को मुकदमेबाजी और विवादों से बचना है, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पे भी पड़ेगी। अन्य महीनों की बात करें तो मई से जून का जो महीना है थोड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सितंबर से अक्टूबर में सावधान रहने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग आपको कुछ ना कुछ समस्या खड़ी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके दांतों से संबंधित कोई परेशानी बनने के योग भी नजर आ रहे हैं। शनि का गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी यात्रा, विदेश में स्थानांतरण जो कि आप चाहते आ रहे थे, दे सकता है। आध्यात्मिक कारणों से तो आध्यात्मिक रिट्रीट आश्रमों के में सेवा भाव की यात्रा भी आपकी मिल सकती है, यानी कि बार वगैरह एक्टिवेट होगा तो गुरु के आश्रम में भी आप जा सकते हैं। अस्पताल आपके लिए अत्यधिक फलदायी रहेगा। अगर ईश्वर ना करे बीमारी होती तो अस्पताल जरूर जाए, और अगर नहीं होती है तो वैसे भी कभी कभार मौका मिले तो एक आध चक्कर अस्पताल का जरूर काट लें। अगले 2 वर्षों में जीवन बदलने का कोई भी बड़ा निर्णय ना लें, जल्दबाजी होगी। मुख्य रूप से शनि का गोचर आपकी व्यर्थ की यात्रा कराएगा और धन का नुकसान तो करेगा ही करेगा। इस दौरान यदि कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला है तो वो फिर से आप पर दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है। आपके ऊपर कोई बड़ा आरोप भी लग सकता है। अधिक खर्च से आपको धन की कमी भी हो सकती है। परिवार में कोई नया विवाद भी हो सकता है। यहाँ आपको बता दूं कि इस शनि के गोचर से कुछ आरंभिक दिनों में आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। कोई पुरानी बीमारी फिर से एक्टिवेट हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य आपका लमसम कहूं तो थोड़ा ऊपर नीचे ऊंच नीच करता ही रहेगा। बात करें उपाय की, तो उपाय इस राशि वालों को शनि की वस्तुएं दान करना, विशेष रूप से मरीजों को अस्पताल में चाय पिलाना आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा। तो अगर आप ये छोटे छोटे प्रयोग कर लेंगे और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताए हैं इनका ध्यान रखेंगे, तो आपको ये शनि का गोचर, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ज्यादा प्रभावी तो नहीं करेगा, लेकिन शनि को न्यायकारक और कर्मकारक माना गया है, तो जो पिछले 22 सालों में आपने किया है उसका आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर गलत किया है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पोस्ट जो कि शनि ग्रह के कुंभ राशि गोचर से अन्य राशियों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में थी। आप सबने मुझे सुना, आप सबने धन्यवाद, नमस्कार।